क्या थी मेरी गलती, इतना मेहनत किया था चरण लेने टोंगे। सारा दिन मेहनत किया, दिन रात इतना मेहनत किया, एग्जाम छोड़ दिया, एग्जाम आने वाला, यूट्यूब के पीछे मैंने कितना मेहनत की। क्या इतना घर वालों का दिन रात का मेहनत पानी में बर्बाद हो गई। इतना व्यूज मोनेटाइज के क्या मेरी गलती थी क्या? एटलीस्ट एक बार तो कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल कुछ तो दे दिया होता। क्या इतना मेहनत किया था, कुछ मैंने गलती तक नहीं की थी। पूरा ए टू जेड जो यूट्यूब का एल्गो है सब चीज को मैंने फॉलो किया था, फिर भी तो दोस्तों जो आज का ये वीडियो है वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने चैनल को अप्लाई करते हैं, अप्लाई हो जाता है, लेकिन एक दो महीने के बाद उनका जो अर्निंग है वो बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने फेक सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग फेक वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से उनके चैनल पे एक भी फूटी कौड़ी अर्निंग नहीं हो पा रही है, वो यूट्यूब पे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ को आपको नहीं करना है। एंड दोस्तों ये चीज़ कर रहे हो तो भाई आपको इस चीज़ से निकलना कैसे है? जो मेहनत कर रहे हैं, करने बाद उसका जब चैनल डीमोनेटाइज होता है वो या उसका अर्निंग बंद होता है तो उसको क्या फील होता है, ये चीज आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया ताकि आप इस चीज को समझ सको, इस चीज को फील कर सको। ये चीज आपके साथ ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप इस चीज का इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, आपको रोना ना पड़े, वरना आप ऐसा हाल आएगा बहुत मेहनत करोगे एंड जो चैनल है वो डिलीट कर दिया जाएगा या उसका अर्निंग ही बंद कर दिया जाएगा। उस टाइम आपको रोना भी आएगा ना तो आप रो नहीं पाओगे, क्योंकि उसका अलग फील होता है जो दिन रात मेहनत करता अपने चैनल पे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना एंड आपको यहाँ पे इस वीडियो में कुछ पॉलिसी बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है। सो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखता होगा अप्लाई टू द YPP पार्ट YouTube पार्टनर प्रोग्राम। जब आप अपने चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद जब आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो ना तो उस टाइम आपके चैनल पे क्या क्या चीजें चेक किए जाते हैं, आपके चैनल का क्या कौन सा ऐसा पार्ट है जिनको चेक किया जाता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है मेन थीम। अब मेन थीम का मतलब यह है कि आप एक निश पे काम कर रहे हो या मल्टीपल निश पे काम कर रहे हो, यानी कि निश का कहने का मतलब यह है कि आप एक कैटेगरी पे काम कर रहे हो या मल्टीपल कैटेगरी पे काम कर रहे हो, यानी कि आपका कोई एक चैनल है उसमें आप एजुकेशन भी डाल रहे हो, स्पोर्ट भी डाल रहे हो, एंटरटेनमेंट भी डाल रहे हो, यानी कि सारा कैटेगरी उसी में डाल दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं कर दिया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको एक निश पे काम करना है, एक थीम पे काम करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। मल्टीपल निश पे काम करना तो मल्टीपल चैनल बना लो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक चैनल पे एक निश पे काम करो ताकि दिक्कत ना आए। जो दूसरा है मोस्ट व्यूज वीडियो, यानी कि आपके चैनल पे आप जब पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका सबसे पॉपुलर वीडियो दिखता होगा, तो वो पॉपुलर वीडियो को आप खुद से भी चेक कर सकते हो मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने से पहले कि वो पॉपुलर वीडियो में आपने कोई गलती तो नहीं किया है ना, आपने उसमें किसी का कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने उसमें किसी का म्यूजिक तो नहीं यूज़ किया है ना, वो वीडियो स्ट्राइक में तो नहीं है ना। आपको अपने उस वीडियो को चेक करना है, क्योंकि YouTube सबसे पॉपुलर वीडियो को चेक करता है मोनेटाइजेशन में,
और उस वीडियो को चेक करने के बाद ही आपके का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है और ये काम गलत नहीं करना है, वरना क्या करते हैं बहुत सारे लोग किसी तरह का कोई वीडियो डालते हैं और वही वीडियो उनका पॉपुलर चला जाता है और वो मोनेटाइज कर देते हैं, जिनकी वजह से मोनेटाइज नहीं होता है क्योंकि उनका वीडियो ही नहीं रहता। तो वो वीडियो को अच्छे से देख लेना है, ये काम आपको नहीं करना, अच्छे से काम करना जेन्युइन तरीके से। जो तीसरा है वो न्यूएस्ट वीडियो, यानी कि अभी का जो करेंट का वीडियो है वो चेक किया जाता है कि अभी आप कौन से कैटेगरी में वीडियोस बना रहे हैं और कैसा वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो आपका पॉपुलर वीडियो है और जो आपका न्यूएस्ट वीडियो है दोनों को मैच किया जाता है, उसका कैटेगरी को मैच कराया जाता है, उसके थीम को मैच कराया जाता है, ताकि आपका जो चैनल है वो प्रॉपर मोनेटाइज हो सके, वो भी इन फ्यूचर दिक्कत ना हो सके। तो इस चीज़ को देखना है कि आप पहले कुछ और बना रहे थे और अभी कुछ और बना रहे हैं, ये काम नहीं करना। आपको पॉपुलर का देखना है, पॉपुलर वीडियो कौन सा है उसी नीज पे आपको प्रेजेंट में काम करना है, ताकि मोनेटाइज आपका 100% हो सके। एंड जो चौथा ऑप्शन है वो बिगेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द वॉच टाइम। अब यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग फेक वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, पैसे दे के वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि यूट्यूब बहुत ही सख्त है। यूट्यूब पे यदि आप लोग गलत काम करोगे यूट्यूब आपको तुरंत पकड़ लेगा। आपको अपने चैनल पे जो भी वॉच टाइम बढ़ाना है कि वीडियोस से आने चाहिए, आपका कौन सा ऐसा वीडियो है जिससे आपका वॉच टाइम आया है, यानी कि शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम आया और उससे मोनेटाइज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि आपका चैनल ही डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा या उसका अर्निंग बंद कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब आप मोनेटाइज करोगे तो आपका वॉच टाइम फेक वॉच टाइम का नहीं होना चाहिए, आपका जेन्युइन वॉच टाइम बढ़ा रहना चाहिए, ताकि आपका इन फ्यूचर दिक्कत ना हो सके क्योंकि बहुत सारे लोग फेक वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं। तो जो पांचवा है वो वीडियो मेटा डेटा। अब वीडियो मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि जो आपका थंबनेल है उसमें कुछ और है एंड वीडियो के अंदर का जो मटेरियल है वो कुछ और है, यानी कि दोनों मैच ही नहीं हो रहा, ना वीडियो आपका थंबनेल से मैच हो रहा है ना थंबनेल आपका वीडियो से मैच हो रहा है, या ये कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाता है कि आप कुछ अलग बना रहे हो थंबनेल में एंड वीडियो कुछ और है, एंड वीडियो कुछ और है तो थंबनेल कुछ और है, तो ये वीडियो मेटाडेटा आपको पकड़ लेता है यूट्यूब और इस सिचुएशन में आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है या एक दो महीने बाद उसका अर्निंग बंद कर दिया जाता है। आपको जो भी वीडियो बनाना है तो उस वीडियो के हिसाब से आपको थंबनेल बनाना है, ताकि जो थंबनेल है वो वीडियो में मैच हो सके। तो ये पांचों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करना है। और अपने चैनल को मोनेटाइज करने से पहले इन पांचों पॉइंट्स को कवर करके खुद से अप्लाई कर सकते हो और वो 100% होगा। आपको आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आया कमेंट करना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा लू वाला चल रहा है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर लेट नहीं कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।